इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर विधायक अतुल प्रधान विधानसभा से बाहर कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अतुल प्रधान ने सदन में वीडियो जो फेसबुक लाइव है उसका वीडियो बनाया, फेसबुक लाइव किया, जिसकी वजह से जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना है उन्होंने ये कार्रवाई की है और उन्हें सदन से बाहर कर दिया है। आपको बता दें कि अतुल प्रधान ने सदन से अंदर बैठकर अपने मोबाइल से फेसबुक लाइव किया, जिससे के बाद कई विधायकों ने नाराजगी जताई और उसके बाद विधानसभा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोपहर 1 बजे तक सदन से बाहर किया गया है। उसके बाद राजीव वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष से ये अनुग्रह किया, एक आग्रह किया कि पहली बार के वो सदस्य हैं, उन्हें यहाँ के नियम कानून नहीं पता है, तो उन्हें क्षमा कर दिया जाए। ऐसे उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से गुहार लगाई थी कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए। उन्हें जानकारी नहीं है कि कैसे सदन में क्या कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें सदन से बाहर कर दिया। और आपको बता दें कि 1 बजे तक सदन से बाहर किया गया है। आप किसी भी प्रकार के मोबाइल में किसी प्रकार के लाइव या वीडियो नहीं बना सकते। सदन में कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिसमें जब भी सत्र शुरू होता है उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष इन सब की जो बारीकी हैं, प्रोटोकॉल हैं, उन सब से विधायकों को अवगत कराते भी हैं। और ये कहा जाता है कि सदन की जो गरिमा है उसे बनाए रखा जाए, ऐसे शब्दों का भी उपयोग ना किया जाए, ना ही ऐसी वहाँ पर उत्पाद मचाया जाए, ना कोई कॉपीज फाड़ी जाए, ना कुछ ऐसी डिवाइस लेके जाई जाए, और तमाम तरह की चीजें पहले से ही बता दी जाती हैं। और हमारे साथ सीनियर कॉरेस्पोंडेंट शशांक जुड़ गए हैं। शशांक, जिस तरह से विधानसभा सत्र जब चलता है, सदन से पहले शुरू होने से पहले सत्र के सदन विधानसभा अध्यक्ष इन सबकी जानकारी देते हैं और पूरा मैनुअल मिलता है, प्रोटोकॉल होता है पूरा कि आप इस तरह से अंदर लाइव या वीडियो नहीं बना सकते हैं, उसके बावजूद भी इसे हिमाकत कहें या किस वजह से, या वाकई वो अज्ञान थे इन प्रोटोकॉल से, किस वजह से उन्होंने ये जो फेसबुक लाइव है इस प्रकार की हरकत की? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह से विधानसभा सदन की कार्यवाही चल रही है, साफ तौर पर यहाँ पर पहले मोबाइल लाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। इवन पत्रकारों को, पत्रकार दीर्घा में भी मोबाइल लाना प्रतिबंधित कर दिया गया। जो विधानसभा की गैलरी है वहीं तक पत्रकारों को सीमित कर रखा गया है, और अगर वो पटल कार्यालय में जाते हैं, विधानसभा के पटल में जाते हैं और पत्रकार दीर्घा में बैठते, तो वहां पर मोबाइल को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। इससे पहले कई पत्रकारों को विधानसभा की कार्यवाही के अंतर्गत फोटो खींचने के आरोप में बाहर किया गया था। उनका सदन का जो पास बनता है, सदन का जितने दिवस का सदन चला है, उसको स्थगित कर दिया गया। तो साफ तौर पर आज की जो बड़ी कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा की गई, इससे स्पष्ट रूप से अतुल प्रधान, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक है, उन्होंने फेसबुक से लाइव करके ये बता रहे हैं कि कोशिश की विधानसभा की कार्रवाई को लीक करने की कोशिश की और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया, जिसको लेकर सतीश महाना जो कि विधानसभा अध्यक्ष है वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने तो पूरे सदन में पूर्वक बजट के दौरान, यानी 5-6-7 बजट था और आज 6 तारीख कल तक के लिए उनको सदन से बाहर करने के लिए, सस्पेंड करने की बात कही थी, लेकिन जो मान मनोबल के बाद अभी 1 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई से उनको सस्पेंड किया गया है। और ये मान लिया जाए कि एक बड़ी सजा दी है और ये लोगों के लिए, आगे के लिए ये एक बड़ा सबक भी होने वाला है। जी बिल्कुल, लालजी वर्मा ने भी उनका साथ दिया था या फिर अनुग्रह किया था कि विधानसभा अध्यक्ष से कि उन्हें क्षमा करें, उन्हें ये जानकारी नहीं थी। क्या इस तरह की जानकारी जो पहले से ही दी जाती है सत्र होने शुरू होने से पहले, क्या इससे पहले भी इस प्रकार का इनका फीडबैक रहा है कि इस प्रकार की वो हरकत करते रहें? देखिए, अतुल प्रधान की अगर बात करें तो ये तो उनके लिए पहली घटना है, लेकिन इससे पहले कई ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिसमें साफ तौर पे सदन की अगर जब कार्रवाई चलती है उसमें मोबाइल को प्रोहिबिटेड किया गया है, सिर्फ विधायकों को छोड़ के और कोई व्यक्ति, या आप चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो क्या नाम है कि पत्रकार हो, पत्रकार दीर्घा हो या पटल में कोई भी विधानसभा कक्ष के अंदर मोबाइल नहीं बच सकता, साइलेंट मोड पे रहता है। और वहां पर एक व्यवस्था लागू है जिसके अंतर्गत नेट का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन सचिवालय यानी लोक भवन, लोक विधानसभा का वो लेकर के वाईफाई लेकर के यहाँ पर सदन की कार्रवाई को बाहर किया गया है, लीक किया गया है, जिसको लेकर अतुल प्रधान के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई। इससे पहले साफ तौर पर विधानसभा जब सदन शुरू होता है तो इस तरह की गाइडलाइन पहले जारी कर दी जाती है कि किसी प्रकार से
कोई भी चीज सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं डाली जाएगी। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने जिस तरह की गलती की है वो अन्य लोगों के लिए सबक रहेगी और आगे भी विधानसभा से नाराजगी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। या ये भी हो सकता है कि पूरा उनका बहिष्कार भी किया जाएगा ताकि इस तरह की जो गलतियां हैं वो दोबारा उन गलती से बुला रखे ना। जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका सुशांत। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विधानसभा की कार्रवाई के दौरान ये मोबाइल पर फेसबुक लाइव हैं और आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं कि मोबाइल नीचे है और वो खड़े हुए हैं और कुछ अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि सदन में इस तरह की दुस्साहस या हिमाकत नहीं की जाती है जो उन्होंने की है। इससे पहले भी कई, चाहे वो कोई भी सदन रहा हो, वहाँ कार्रवाई होती रही है। इस प्रकार से कोई भी जानकारी इस रूप में तो नहीं, खुद विधानसभा का कैमरा होता है, खुद का खुद वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वही उतनी ही वीडियो रिकॉर्डिंग पत्रकारों को भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो जाहिर है कि इस तरह से उनका ये पहली दफ़ा था तो शायद उन्हें 1 बजे तक के लिए बाहर किया गया सदन से, अन्यथा आगे भी इस तरह से कार्रवाई अगर होती है तो जाहिर है उन पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। लोकतंत्र की अत्यारी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।